फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आने लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के प्रीवियस लेक्चर मैंने इसको इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के। तो सबसे पहले देखते हैं आज के लेक्चर में कवर क्या क्या करेंगे। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से डेटा टाइप्स हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिसको मैं कीवर्ड के नाम से भी जानते हैं वो भी देखेंगे, प्लस इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में या कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आइदर सी हो, सी प्लस प्लस या जावा, या फिर यहां पर अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट भी आपका एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब यहां भी कोई वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का यूज होगा। वेरिएबल जनरली हम यूज क्यों करते हैं? वेरिएबल का जनरली अगर मुझे कोई आइडेंटिफायर्स बनाना है, कोई फंक्शंस का नेम लेना है, कोई एरे का नेम लेना है, तो इसलिए हम वेरिएबल और आइडेंटिफायर रूल्स को फॉलो करते हैं। तो क्या रूल होता है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन या आइडेंटिफायर बनाने का, अगर हम वन बाय वन देखें रूल्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है आपका सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अगर कंपेयर करते हैं देन। तो क्या डिफरेंसेस है उसको हम देख भी चले साथ में और डिटेल भी देखेंगे कैसे इसका हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो इन द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद लेटर आर एन अंडरस्कोर आर द डॉलर साइन। तो जो भी जावास्क्रिप्ट में अगर हम वेरिएबल बनाते हैं वो आइदर स्टार्टिंग होगा किसी लेटर से, लेटर मींस आइदर स्मॉल या कैपिटल कोई भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है स्पेशल सिंबल में, और डॉलर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और सिंबल हम यूज नहीं करेंगे स्टार्ट के करेक्टर में, सबसे पहले करेक्टर जो यूज होगा। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होगा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, मतलब सेम वेरिएबल अगर हम लिखते हैं कोई कैपिटल में और उसी को स्मॉल में लिखते हैं तो दोनों डिफरेंट एज ए वेरिएबल काउंट होंगे। यू शुड नॉट यूज एनी ऑफ द जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड, कुछ रिजर्व कीवर्ड है जिसको हम अभी आगे देखेंगे उसको हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, ऐसा हर लैंग्वेज में होता है कि हम कीवर्ड को एज ए वेरिएबल या आइडेंटिफायर नेम्स नहीं लिख सकते। नो लिमिट ऑन लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर बनाते हैं उसके लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, हम कितनी भी बड़ी साइज की वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो ये कुछ वैलिड वेरिएबल नेम है जैसे _123 टेस्ट माई वेर नेम मनी, ऐसे नंबर ऑफ वेरिएबल हम इसके रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। डेटा टाइप्स की बात करें तो यहां पे जनरली तीन तरह के डेटा टाइप यूज होते हैं जो इसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के भी नाम से जानते हैं, ऐसे ही कुछ ट्रिवल डेटा टाइप भी होते हैं उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो पहला होता है डेटा टाइप नंबर्स, दूसरा स्ट्रिंग और थर्ड बोलियन। नंबर में आपके यहाँ पे दोनों होते हैं, जैसे अगर हम कंपेयर करें सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज से तो वहां पे नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इंटीजर, फ्लोट, डबल, अलग अलग डेटा टाइप होते थे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप की नंबर हो केवल नंबर्स डेटा टाइप ही यूज होगा, मतलब इसके साथ हम कोई फ्लोटिंग नंबर या फिर इंटीजर वैल्यू कोई भी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप के हो गए, स्ट्रिंग हमेशा आपका डबल कोटेशन में होगा, ऐसे आपके कोई स्ट्रिंग हम डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं। बुलियन डेटा टाइप यहाँ पे आता है, बुलियन डेटा टाइप दो ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, आइदर ट्रू या फॉल्स। जावास्क्रिप्ट में देखें तो दो ट्रिवल डेटा टाइप भी होते हैं जो एक सिंगल वैल्यू डिफाइन करते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो नल होता है एक अनडिफाइंड होता है। नल क्या होता है, नल मतलब जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट जनरली हम यूज करते हैं var, तो var सपोज हमने लिख दिया var a इक्वल टू 123, तो मतलब जो a वेरिएबल बना उसकी वैल्यू 123 हो गई, लेकिन अगर हम वहां पे कोई वैल्यू न लिख के वहां पे लिख दें a इक्वल टू null, तो मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, उसके पास null वैल्यू कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। सेकंड अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड किस केस में होता है, जैसे सपोज करो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया वेर a और उसकी मैंने कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं किया और उसी को हम एज ए आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं a को, तो उस टाइम क्या होगा, a के पास कोई वैल्यू नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड टाइप में रिजल्ट आपका आ जाएगा। इन जावास्क्रिप्ट वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग रिजर्व वर्ड वेर, तो वेर नाम से ही हम, वेर आपका रिजर्व वर्ड है, इसी नाम से हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जावास्क्रिप्ट में। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी एनीथिंग आइदर नंबर स्ट्रिंग और बुलियन, वेरिएबल पास जितने भी कोई भी नंबर कोई भी वैल्यू आ सकता है, आइदर नंबर हो सकता है स्ट्रिंग हो सकता है बुलियन, इसको हम आगे देखते हैं डिक्लेयर कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल स्कोप की, तो दो तरह के स्कोप यहां भी होते हैं, जैसे अगर आप देखें तो पुराने जितने लैंग्वेज आप पढ़े होंगे वहां भी लोकल और ग्लोबल स्कोप होते हैं
वेरिएबल्स के, तो यहाँ भी कुछ लोकल और ग्लोबल स्कोप होंगे। इस एग्जांपल को अगर देखें तो यहाँ पे लोकल और ग्लोबल स्कोप दोनों यूज किया गया। जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कोई फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो अगर फंक्शंस के अंदर फंक्शंस की बॉडी में अगर हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो आपका एज ए लोकल वेरिएबल होता है, और फंक्शंस के बाहर अगर हम फंक्शंस के बाहर केवल स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसको हम एज ए ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जैसे इस स्क्रिप्ट को आप देख सकते हैं, इस स्क्रिप्ट पे अगर देखें तो मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया वेर माई वेर नाम से, और इसकी वैल्यू मैंने एज ए स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पे ग्लोबल। अब ये क्या है, किसी फंक्शंस के अंदर नहीं है, मतलब ये डिक्लेयर हुआ एज ए ग्लोबल वेरिएबल। दूसरा अगर हम देखें तो एक फंक्शन बनाया मैंने चेक स्कोप नाम का, इसकी बॉडी में मैंने एक वेरिएबल बनाया वेयर माई वेयर, और यहां पर मैंने स्ट्रिंग दे दिया लोकल। तो कहने का मतलब इसमें फंक्शंस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो इस तरह से वेरिएबल क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल, और इसके अगर बाहर है तो आपका क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करेगा आपका जावा स्क्रिप्ट में। तो एक सिंपल एग्जाम्पल था ये लोकल और ग्लोबल का। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं रिजर्व कीवर्ड के, कुछ यहाँ पे नंबर्स ऑफ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जो आप देख सकते हैं कि इसी को जितने भी यहाँ पे कीवर्ड हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, एल्स है, इनम है, बुलियन, ब्रेक, एक्सपोर्ट, बाइट, एक्सटेंड, केस, फॉल्स, ऐसे बहुत सारे हैं, चाहे तो इस नाम का न तो कोई वेरिएबल नेम हम डिक्लेयर करेंगे, ना तो कोई फंक्शन नेम डिक्लेयर करेंगे, ना कोई लूप हम यहाँ पे लूप लेवल डिफाइन करेंगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट नेम भी इस नाम का नहीं बना सकते, इसलिए इसको रिजर्व वर्ड कहा गया है जावास्क्रिप्ट के केस में। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल में मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई और वेरिएबल जेड। तो यहाँ पे तीनों के साथ मैंने कुछ वैल्यू डिक्लेयर कर रखा है, जैसे वेरिएबल एक्स के साथ 5 वैल्यू है, वाई के साथ 6 है, जेड के साथ एक्स प्लस वाई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का जो कोड है यहाँ से यहाँ स्क्रिप्ट कोड है, बाकी ये सब बॉडी पार्ट में है, जो बॉडी के पार्ट में लिखा है एस टू या पी में ये सारे आपको नॉर्मली जैसे एचटीएमएल पेज पे व्यू करते हैं वैसे आपके पेज पे आ जाएगा। हम यहाँ फोकस करते हैं स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग में जब तीन वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए हुए तो जेड के पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई, मतलब 5 प्लस 6 11 यहाँ पे जेड के पास आ जाएगा। अब देखिए जो डेटा टाइप्स है यहाँ पे, जो 5 5 किस टाइप का है, 5 नंबर टाइप का है, 6 भी नंबर टाइप का है, और यहाँ भी किस टाइप का है, ये भी स्टोर होगा किसके साथ, नंबर टाइप का। तो ये नंबर टाइप का यहाँ पे हो सकता है आइदर हम यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट दे दें या फिर इंटीजर दे दें, दोनों के केस में डिक्लेरेशन ऐसे ही होगा। अब इसी को हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कैसे करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी, गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो, यहाँ पे मैंने एक डेमो बना रखा था। ये जनरली डेमो ये वाली लाइन हम इसलिए यूज करते हैं जब हम HTML कोड के साथ, जैसे HTML आपका है इसी के साथ हम कुछ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के साथ वैल्यू प्रिंट करना है तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ साइज, द वैल्यू ऑफ जेड इज, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ जेड इज आउटपुट नीचे देख के लिख के आएंगे, ऐसे लिख के आएगा। और ये जो जेड वैल्यू यहाँ से आया, ये जेड जो यहाँ पे वैल्यू आएगा इसके वेरिएबल के साथ, यही वैल्यू यहाँ से कॉल कर रहा है, तो जेड की वैल्यू 11 है तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन हम देखें तो ये तीन लाइन का वेरिएबल डिक्लेरेशन तीनों इस तरीके से है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ और अलग तरीके से किए हुए हैं, आप देखिएगा और डेटा टाइप्स के लिए किया हुआ है। जैसे अगर स्क्रिप्टिंग को देखें यहाँ से, तो स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ तक है। इस स्क्रिप्टिंग में हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया पर्सन नाम का, जिसके पास हम यहाँ क्या दे रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे रहे हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन वेयर से ही स्टार्ट होगा, उसके साथ जो भी हम वैल्यू देंगे, अगर नंबर देंगे तो एज ए नंबर टाइप जाएगा, स्ट्रिंग देंगे तो नंबर टाइप स्ट्रिंग टाइप जाएगा, अगर हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स देंगे तो बुलियन टाइप हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड मैंने कार नेम ले लिया, कार नेम मैंने वॉल्वो डाल दिया, तो यहाँ पे भी क्या रहा, स्ट्रिंग टाइप हो रहा है। तीसरा प्राइस, प्राइस हमने यहाँ पे 200 दिया तो यह नंबर टाइप प्राइस के पास जाएगा। इसी को अगर हम प्रिंट करें तो प्रिंट करके लिख के आएगा पर्सन, पर्सन की वैल्यू प्रिंट कर देगा, पर्सन के यहाँ क्या प्रिंट है, जॉन डोए, तो यहाँ पे जॉन डोए प्रिंट कर देगा। इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक लाइन, लाइन ब्रेक करेगा, फिर वॉल्वो प्रिंट कर देगा कार नेम के से, और लास्ट प्राइस के पास कितनी वैल्यू 200, तो यहाँ पे 200 प्रिंट कर लेगा। या आप स्क्रीन में आउटपुट देख सकते हैं। प्रोग्राम सेव करने के लिए सिंपल एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल में ही सेव करें, जैसे इसको मैंने सेव कर रखा है वेरिएबल 2 डॉट एचटीएमएल नाम से। तो जितने भी आपके स्क्रिप्टिंग के पेज होंगे उसका एज एचटीएमएल पेज में अगर उसका यूज कर रहे हैं तो डॉट एचटीएमएल से ही सेव करना है आपको। तो इस तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेटा टाइप आपने देख लिया। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपके बेसिक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल इन जावास्क्रिप्ट। जो दो आपके ट्रिवियल डेटा टाइप थे उसका डिफरेंस पूछ लिया यहाँ पे, वो आप यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन, ये तीनों चीज आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो होपफुली यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा डेटा टाइप्स और वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। आज
के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे किसी और टॉपिक को देखते हैं।